तो आप में से कितने लोग हैं जिनका संबंध गांव से है? तो ग्राम पंचायतों का चुनाव कैसे होता है, आप लोग ये सुनते हैं ना? एक संस्था है ग्राम सभा और दूसरी है ग्राम पंचायत, तो क्या फर्क है दोनों में? ग्राम सभा का मतलब होता है गांव में रहने वाले वो सभी लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उन सबको मिला करके क्या कहेंगे? ग्राम सभा। दैट ग्रुप ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड इन द वोटर लिस्ट ऑफ द विलेज हैविंग कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, ऑल दोज पर्सन्स कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज सभा। और ये लोग जिनको चुनेंगे वो कहलाएंगी ग्राम पंचायत। तो अब दूसरा अंतर क्या हो गया कि ग्राम सभा इज कंप्राइज्ड ऑफ वोटर्स, इट इज द इलेक्टोरल कॉलेज एंड इट इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये निर्वाचक हैं और ये निर्वाचित हैं, ये चुनने वाले हैं और ये चुनकर आए हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में भी आमतौर पर तीन स्तर की पंचायत स्वीकार की गई है, 3-tier structure। सबसे निचली स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपर जिला पंचायत, ठीक है। अब जिस गांव का वोटर, मान लीजिए मैं गांव में रहता हूं, मेरा नाम गांव के वोटर लिस्ट में है, तो मैं ग्राम सभा का सदस्य हो गया, मेंबर ऑफ दी ग्राम सभा। अब मैं एक मतदाता हूं तो मैं किनको चुनूंगा? मैं वोट डालूंगा सीधे ग्राम प्रधान के लिए, ठीक। मैं वोट डालूंगा ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए, फिर मैं वोट डालूंगा ब्लॉक पंचायत सदस्यों के लिए, फिर मैं वोट डालूंगा जिला पंचायत सदस्यों के लिए। तो मैं 4 लोगों को सीधे चुनूंगा, आई विल इलेक्ट 4 पर्सन्स डायरेक्टली, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्य एंड जिला पंचायत सदस्य। ये बात आ गई समझ? अब जो ब्लॉक पंचायत सदस्य हैं, BDC मेंबर जिनको कहते हैं, ये चुनेंगे ब्लॉक प्रमुख को, यानी आप सीधे डायरेक्ट जनता इन्हें नहीं चुनेगी, इन्हें ब्लॉक पंचायत के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुनेंगे। और इस तरह से जो जिला पंचायत सदस्य हैं ये चुनेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष को। यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई शक, कोई सवाल? अब सवाल ये उठता है कि किस ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होंगे, ये कैसे तय होगा? हाउ इट विल बी डिटरमिन्ड? तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि अगर किसी ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या अप टू 1000 तक है तो ये चुनेंगे 9 मेंबर्स, ठीक। अगर 1000 से ज्यादा है लेकिन 2000 से कम है तो 11, अगर 2000 से ज्यादा है लेकिन 3000 से कम है तो 13, और अगर 3000 से कुछ भी ज्यादा है तो 15। तो ग्राम पंचायतों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 9 और अधिकतम कितनी होगी? 15। ये क्लियर हो गई बात? अब ये तो ग्राम पंचायत का तय हो गया, फिर ब्लॉक पंचायत में कितने सदस्य चुने जाएंगे ये कैसे तय होगा? तो अब कई सारे ग्राम पंचायत मिला करके एक बड़ी पंचायत बनी, क्या हुई? वो ब्लॉक पंचायत, ठीक है ना?
तो मान लें कई सारी ग्राम पंचायतें मिला करके एक ब्लॉक पंचायत बनी तो 50,000 वोटर हो गए सबको मिलाकर। तो फार्मूला कहता है प्रति 5,000 पर एक। तो अगर ब्लॉक पंचायत में मतदाताओं की संख्या 50,000 है तो उस ब्लॉक में कितने सदस्य चुने जाएंगे? क्लियर हुई बात? अब कई सारी ब्लॉक पंचायत मिला करके क्या बन जाएगी? जिला पंचायत, जो सबसे बड़ा स्तर है। तो जिला पंचायत में कितने मेंबर होंगे यह कैसे तय होगा? प्रति 50,000 पर एक। तो अगर कई सारे ब्लॉक पंचायतों को मिलाकर मान लें पूरे जिले भर में मतदाताओं की संख्या 5,00,000 हो गई तो कितने जिला पंचायत सदस्य हो जाएंगे? क्लियर हुई बात? तो इस तरह से केवल ग्राम प्रधान है जो सीधे अपने जनता के द्वारा चुना जा रहा है, बाकी सदस्य जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जा रहे। इज दैट क्लियर? अब शहरों में थोड़ी व्यवस्था अलग है। शहरों में जो शहरी पंचायतें हैं उनको कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 में। कौन कौन सी? नहीं नहीं ये नहीं, लार्जर अर्बन एरिया, स्मॉलर अर्बन एरिया एंड ट्रांजिशनल एरिया, 3 हिस्सों में अर्बन पंचायत को बांटा गया है। वृहद नगरीय क्षेत्र, लघु नगरीय क्षेत्र और संक्रमणकालीन क्षेत्र। लार्जर अर्बन एरिया, स्मॉलर अर्बन एरिया एंड ट्रांजिशनल एरिया, ठीक। अब ये जो लार्जर, स्मॉलर और ट्रांजिशनल 3 बड़ी कैटेगरीज हैं, उनमें फिर 8 तरह की लोकल बॉडीज होती हैं। 8 तरह की पंचायतें अर्बन में होती हैं। कौन कौन सी? नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, कंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गई 8। 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका, 3 टाउन एरिया कमेटी, 4 नोटिफाइड एरिया कमेटी, 5 इंडस्ट्रियल टाउनशिप या औद्योगिक नगरी, 6 कंटोनमेंट बोर्ड या छावनी परिषदें, 7 पोर्ट ट्रस्ट या पत्तन न्यास और 8वां स्पेशल पर्पस व्हीकल या विशेष उद्देश्य वाहन। मिसाल के तौर पर 100 स्मार्ट सिटीज बनाने, ठीक है ना? मोदी सरकार जब अपने पहले टर्म में आई तो उन्होंने कहा कि हम देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। तो जो हमारी मौजूदा नगर निगम वगैरह हैं ये स्मार्ट सिटीज की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती हैं, तो इनके लिए अलग से कोई संस्था बनानी पड़ेगी। तो वो क्या हो जाएगी? स्पेशल पर्पज़ व्हीकल हो जाएगी। एक स्पेशल पर्पज़ के लिए क्रिएट किया गया। तो सरकार ने फैसला किया कि हम अलग से किसी इलाके में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल हो जाएगा। ये बात आ रही समझ?
तो किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई अलग से लोकल बॉडी अर्बन एरिया में बनाई जाती है तो उसको कहेंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल। जो हमारे समंदर के किनारे बसे हुए शहर हैं, अब वहां पर दो हिस्से होंगे, एक जो शहरी इलाका है और दूसरा जो तटीय इलाका है। तो जो शहरी इलाका है वहां तो नगर निगम या नगर पालिका होगी, लेकिन तटीय इलाकों के लिए क्या होगा, कोस्टल बेल्ट के लिए पोर्ट ट्रस्ट होगा, जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई नगर निगम। तो शहरी इलाकों के लिए मुंबई बृहन नगर निगम, लेकिन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो उसका कोस्टल बेल्ट है। इस तरीके से चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, इस तरह से विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, इस तरीके से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। तो पोर्ट ट्रस्ट जो पोर्ट एरिया होता है, बंदरगाह का इलाका, जहां पर जहाज आते हैं, रुकते हैं, माल ढुलाई उतारी जाती है, चढ़ाया जाता है, पैसेंजर कार्गो वगैरह वगैरह, वहां के एरिया के लिए जो लोकल बॉडी है उसको क्या कहेंगे, पोर्ट ट्रस्ट कहेंगे। ठीक है ना। अगर किसी शहरी इलाके में आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा है और उस इलाके की रेवेन्यू कैपेसिटी 1 करोड़ या ज्यादा है तो वहां पर क्या बनेगी, नगर निगम। अगर आबादी 10 लाख से कम है और रेवेन्यू कैपेसिटी 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम है तो वहां क्या होगा, नगर पालिका। फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको हम ट्रांजिशनल एरियाज कहते हैं, संक्रमणकालीन क्षेत्र, जो अब गांव तो नहीं रह गए हैं लेकिन अभी पूरी तरह से शहर भी नहीं हो पाए, ये ट्रांजिशन में है। आज के 30 साल 40 साल पहले वो गांव ही थे, लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ी, गतिविधियां बढ़ी, आर्थिक रोजगार के नए नए साधन बढ़े, तो वो इलाके धीरे धीरे शहरीकरण की ओर बदल रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से शहर नहीं हो पाए हैं, लेकिन गांव भी नहीं रह गए। तो यहां पर टाउन एरिया कमेटी होगी, जैसे कि मोहनलालगंज है, बख्शी का तालाब है, ये क्या हो जाएंगे, टाउन एरिया कमेटी हो जाएंगे। सरकार को लगता है कि कोई इलाका ऐसा है जहां पर अलग से एक अर्बन बॉडी बनानी चाहिए, तो राज्य सरकार के सिफारिश पर राज्यपाल उस इलाके के लिए एक अर्बन बॉडी नोटिफाई कर देंगे, अधिसूचित कर देंगे, तो जो वो हो जाएगी नोटिफाइड एरिया कमेटी, अधिसूचित क्षेत्र। अब बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां सरकार ने 50 के 60 के दशक में बड़े उद्योग लगाए, जैसे हमारा जब आप लखनऊ से सुल्तानपुर जाते हैं तो मुंशीगंज है, गौरीगंज है, यहाँ HAL है, BHEL है, इस तरह से राउरकेला है, भिलाई है, टाटा नगर है। तो कोई उद्योग लगने की वजह से, कोई इंडस्ट्री लगने की वजह से वहाँ पर अर्बनाइजेशन हो गया है, आबादी बढ़ गई है, दुकानें हो गई हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ऐसे इलाकों को क्या कहेंगे, औद्योगिक नगरी, इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो यहाँ पर कौन सी लोकल बॉडी बनेगी, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी, औद्योगिक नगरी कहलाएगी। इज दैट वेरी क्लियर। अब हमारे जो छावनी के इलाके हैं, कैंटोनमेंट एरियाज, वहां पर सिविक एम्यूनिटीज, नागरिक सुविधाओं को देखने के लिए सड़क नाली खड़ंजा, स्ट्रीट लाइट, सीवेज डिस्पोजल, वाटर सप्लाई, ये सब कौन करेगा, ये डिफेंस नहीं कर सकती, डिफेंस के पास इसकी एक्सपर्टाइज नहीं है। तो अब डिफेंस एरियाज में, रक्षा क्षेत्र में, छावनी क्षेत्रों में ये सब काम जो नगर निगम नगर पालिकाएं शहरों में कर रही हैं, वहां पर एक अलग से अर्बन बॉडी, एक लोकल बॉडी बनानी पड़ेगी, उसको क्या कहेंगे, कंटोनमेंट बोर्ड, छावनी परिषद। एक जमाना था जब
कंटोनमेंट एरियाज मुख्य शहर से दूर शहर के प्रवेश या निकास मार्ग पर बनाए जाते थे, एंट्री या एग्जिट पॉइंट पर, ताकि अगर कभी कोई दुश्मन का हमला हो तो उनको बाहर ही रोका जा सके। आप देखिए जितने बड़े शहर हैं, लखनऊ ही देखिए, लगभग शहर ख़त्म होता है कंटोनमेंट आ जाता है। इलाहाबाद देखिए, मेरठ देखिए, लेकिन ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब 70-80 के दशक के बाद धीरे धीरे कंटोनमेंट एरिया के आगे और पीछे शहरीकरण हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। अब कंटोनमेंट बोर्ड के आगे जहाँ हमारा कैंट है वहाँ तेलीबाग है, आशियाना है, पीजीआई तक चले जाइए, लखनऊ का शहर बढ़ गया है, वृंदावन आवास योजना हो गई है, एक पूरा नया लखनऊ ही उधर बस गया है। इस तरह से हर शहर में कंटोनमेंट जो पहले कहीं दूर हुआ करते थे शहर से, वो अब शहर के बीचों बीच आ गए। और इसलिए पहले होता यह था कि जो कैंट में रहने वाले जवान थे, अफसर थे, सेना के लोग थे, अब उनको साबुन, तेल, कंघी, रोज़मर्रा की ज़रूरतें अपनी ख़रीदनी होती थी, तो एक तो CSD है, कैंटीन, लेकिन कैंटीन में हर सामान नहीं मिल सकता, तो कंटोनमेंट एरिया से सटे हुए इलाके में फ़ौज एक स्थानीय बाज़ार बनाती थी, लोकल मार्केट। इसलिए आप देखेंगे जहाँ भी कहीं कैंटोनमेंट होगा वहाँ तोपखाना बाज़ार ज़रूर होगा। तो ऐसे बाज़ार जो वहाँ के रहने वाले कंटोनमेंट एरियाज के लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते थे, उनको क्या कहा जाता था? तोपखाना बाज़ार। लेकिन तोपखाना बाज़ार अब बहुत छोटा हो गया और बाकी सारे बाज़ार बढ़ते चले गए, और अब कंटोनमेंट एरियाज इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वहाँ पर रहने वाले सिविल पॉपुलेशन की भी संख्या अच्छी खासी हो गई है। अब केवल और केवल फौज के ही लोग कंटोनमेंट एरियाज में नहीं रह रहे, इस वजह से वहाँ के नागरिक सुविधाओं के लिए, सिविक एमिनिटीज के लिए क्या बना दिया गया? कंटोनमेंट बोर्ड बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारे यहाँ पर यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में भी लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों का वर्णन आपको मिलेगा, जहाँ पर उन्हें सभा या समिति के नाम से जाना जाता था। लेकिन मेडिवल पीरियड में आते आते, जब हम मध्यकाल में आते हैं, तो जो काम ये सभा या समितियाँ या ग्रामीण क्षेत्रों की लोकल बॉडीज़ करती थी कि कर लगाना है, राजस्व वसूलना है, वहाँ की व्यवस्था का देखभाल करना है, ये काम धीरे धीरे मध्ययुग में एक नया वर्ग उभर कर आया जिसको हम ज़मींदार कहते हैं। तो अब लैंड राइट्स, रेवेन्यू राइट्स, ज़मीन से जुड़े अधिकार, राजस्व से जुड़े अधिकार धीरे धीरे इन पंचायतों से कहाँ स्थानांतरित हो गए? उन ज़मींदारों के पास। अब उस ज़मींदार का जो इलाका है वहाँ पर कर वसूलना, राजस्व लगाना, वहाँ की व्यवस्था की देखभाल करना, ये ज़मींदारों के हाथ में आ गए। और इस तरह से धीरे धीरे हमारे यहाँ जो स्थानीय निकाय पंचायतों के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में होती थी, रूरल एरियाज में, वो डिक्लाइन हो गई, उनका पतन हो गया। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ये सोचा कि हमें फिर से लोकल बॉडीज़ को रिवाइव करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो चाहते थे ग्रामीण भारत का विकास हो, इसलिए कि वो ग्रामीण मामलों में फंसना नहीं चाहते थे। उनकी सारी शक्ति जो ट्रेड और कॉमर्स के अर्बन सेंटर्स हैं वहीं पर ही उनका सेना हो, प्रशासन हो, ये सारी व्यवस्था हो। तो उन्होंने एक अटेम्प्ट किया, एक कोशिश किया कि रूरल एरियाज़ में हम वहाँ के लिए लोकल बॉडीज़ बना दें और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मुक्त हो जाएं। लेकिन वो बहुत प्रयास कारगर नहीं हुए, हालांकि
लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन ने इस दिशा में बेहतरीन काम करने का प्रयास किया और इसलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। अब ये सब कागजों तक ही सिमट कर रह गए, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के आंदोलन में इस तरीके की बातें महात्मा गांधी और तमाम दूसरे लोगों ने की। ग्राम स्वराज की कल्पना थी, गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे, फिर से ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। ये फ्रीडम मूवमेंट में ही शुरू हो गई थी बातें। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट फोर, नीति निदेशक तत्व भाग चार में यह कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। उसमें शहरी पंचायतों की कोई बात नहीं की गई, लेकिन एक प्रोविजन किया गया। हालांकि ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था जो कि सरकार के लिए बंधनकारी नहीं था, लेकिन पहली बार संविधान में उल्लेख हुआ, जिक्र आया इस बात का। फिर राजकुमारी अमृत कौर जो देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने नई दिल्ली में ग्राम पंचायतों का एक सम्मेलन बुलाया और उसमें प्रधानमंत्री नेहरू को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नेहरू ने उसमें यह आश्वासन दिया कि उनकी सरकार इस दिशा में पंचायतों के गठन के लिए जो भी संभव काम होगा वो करेंगे। और फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस पर बड़ी चर्चा हुई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और एनडीसी की इस बैठक में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई। कैसे किया जाए काम, इसके लिए एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी और बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र भारत की पहली पंचायत 2 अक्टूबर को 1959 में नागौर जिले में राजस्थान में इसका उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया। लेकिन कुछ बहुत खास इस दिशा में काम आगे बढ़ नहीं पाया। तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने ये देखने के लिए कि आज़ादी के बाद से अब तक पंचायतों का कामकाज कैसा रहा है, उस पर एक दूसरी कमेटी बनाई जिसको कहते हैं अशोक मेहता कमेटी। अब अशोक मेहता कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी, मिसाल के तौर पर बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था कि 3 स्तर 3 टीयर होना चाहिए, ग्राम, ब्लॉक, जिला। लेकिन अशोक मेहता ने कहा 2 टीयर होना चाहिए, यानी ग्राम और जिला, ब्लॉक हटा देना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन इससे पहले कि अशोक मेहता कमेटी पर जनता पार्टी की सरकार कुछ फैसला लेती, जनता पार्टी की सरकार ही गिर गई। तो फिर कुछ बात आगे नहीं बढ़ पाई। फिर इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी जब दोबारा सत्ता में आई तो पंजाब में हिंसक आतंकवादी आंदोलन शुरू हो गया, दक्षिण में हमारे तमिलनाडु के इलाके में लिट्टे धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगा। हालांकि उसमें भी इंदिरा सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी भूमिका है। खैर, वो फिर कभी जब पंजाब टेररिज्म पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे कैसे ये सब हुआ, भिंडरावाला और ऑपरेशन ब्लू स्टार तक की नौबत आई, वो हम सब लोग के लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय है। क्योंकि स्वर्ण मंदिर साहब जो हैं ये केवल सिखों के लिए ही सबसे पवित्र स्थान नहीं है, भारत के हर नागरिक के लिए, वो किसी भी धर्म मजहब पंथ का।
और जिस तरीके से फिर वहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया और जो नुकसान हुआ उस तीर्थस्थल का, उसका बड़ा खामियाजा इंदिरा गांधी की सरकार को उठाना पड़ा। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार करने की नौबत आ गई, कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। वो एक अलग इशू है, एक अलग विषय है, उस पर कभी केवल पंजाब पर ही चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि कैसे ये सब हुआ। बहरहाल 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से जो सिख समुदाय नाराज़ हुए, तो इंदिरा गांधी की सुरक्षा में जो दो गार्ड थे, सिख सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने एक रोज़ इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर पूरे देश में एक सिख विरोधी माहौल बना, दंगे हुए, और इंदिरा गांधी की हत्या से जो सहानुभूति हुई उससे राजीव गांधी बड़े भारी जनमत से, ह्यूज मेजॉरिटी से जीत कराए और 1985 में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और ऐसा मैंडेट, ऐसी मेजॉरिटी आज तक न पहले किसी सरकार को मिली, न बाद में किसी को मिली। और तब राजीव गांधी की सरकार ने इस दिशा में 86 से काम करना शुरू किया, कई सारी कमिटीज़ बनाई, जीवी राव कमेटी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, पीके थुंगन कमेटी, और दिल्ली में 5 वर्कशॉप्स का आयोजन किया, कार्यशालाएं पंचायतों पर। और फिर उनकी सरकार के द्वारा 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989 में पेश किया गया। लेकिन इस बीच राजीव गांधी की सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे, बोफोर्स घोटाला, सेंट किट्स घोटाला, लोटस कांड वगैरह वगैरह, और उनके रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके वीपी सिंह ने सरकार से इस्तीफा दे करके पूरे देश में राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी एक आंदोलन छेड़ दिया। इतना दबाव बन गया राजीव गांधी की सरकार पर कि राजीव गांधी को इस्तीफा दे देना पड़ा। उसके बाद चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, कांग्रेस के बाहरी समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई थी, और एक रोज कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस ले लिया, चंद्रशेखर सरकार गिर गई। फिर वीपी सिंह आए, फिर बहुत जल्दी जल्दी हालात बदले, फिर 90 में मंडल कमीशन आ गया, अब देश में दूसरे तरीके का माहौल हो गया, जाति के आधार पर लड़ाइयाँ होने लगी, कास्ट वॉर हो गई, अगड़ा पिछड़ा ये सब शुरू हो गया। इस बीच 21 मई को राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर में तमिलनाडु में एक चुनावी जनसभा के दौरान हत्या हो गई। अब वो जो बिल 64th अमेंडमेंट के रूप में पेश किया गया था वो वहीं का वहीं रह गया। फिर किसी तरीके से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, कई लोगों के सहयोग और समर्थन से, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, अल्पमत सरकार थी, और तब 92 में नरसिम्हा राव की सरकार के समय जो 64th अमेंडमेंट बिल 89 में पेश किया गया था वो आखिरकार पारित होते होते 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 64वां संविधान संशोधन विधेयक अंततः पारित हुआ, 73वां 74वां संशोधन अधिनियम। ये सवाल यूपीएससी में कई बार आया है कि पंचायतों से जुड़ा मूल संशोधन संविधान में किस क्रमांक पर था, तो 64th पास हुआ, तो 73वां 74वां, इज दैट क्लियर। और फिर पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, बहुत सारी शक्तियां दी गई।
अब अगर आप देखिए तो 92 से हम 2021 में आ गए, 3 दशक का समय हमने पूरा कर लिया है। आज पंचायतों की स्थिति क्या है? क्या देश में उनको जो अधिकार मिलने चाहिए थे मिले? इस पर बड़ी रिसर्चेज हुई हैं। IIPA ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर अपना अलग से एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया है। लेकिन अभी भी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, और जब प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हुई तो उनकी बिस्तर पर उनके तकिया पिलो के नीचे एक कागज का टुकड़ा मिला। उस कागज के टुकड़े पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी, कुछ लाइंस थी। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। एक लंबा सफर अभी भी तय करना है, यही पंचायतों की भी स्थिति है। हरिवंश राय बच्चन को अगर हम याद करें तो उनकी कविता है कि सघन गहन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, सघन गहन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम, अभी कहाँ विश्राम, मुसाफिर बहुत बड़ी यह छलना है, अभी मुझे तो मीलों आगे चलना है। तो अगर पंचायतों पर निबंध आए या उस पर कोई सवाल आए मुख्य परीक्षा में, तो आप ये दोनों कोट करके अपनी बात शुरू कर सकते हैं कि हियर वी स्टैंड टुडे, आज हम इस स्थिति में हैं।